नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। कल शाम को नेशनल हाईवे पर बारातियों से भरी एक बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। बारातियों से भरी बस हमीरपुर से सुमेरपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस सदर कोतवाली क्षेत्र में चंदौखी के पास पहुंची, उस दौरान सामने से एक ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे भी उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को बस में से रेस्क्यू कर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। हमीरपुर के जिलाधिकारी और SP श्लोक कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र में कुचेचा के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से एक गाड़ी निकल रही थी और दूसरी ओर से एक बस आ रही थी जिसमें कुछ बराती थे। जो बारात वाली बस थी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और गाड़ी को आता और देख उसमें जब बचाने का प्रयास किया तो सामने एक ट्रक से इस बस की भिड़ंत हो गई। जो बराती थे उनमें से कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को यहाँ से तत्काल कानपुर रेफर किया जा रहा है, बाकी अन्य लोगों का यहाँ उपचार चल रहा है। सभी लोग की स्थिति वर्तमान में सामान्य बताई जा रही है। जो भी इसमें आवश्यकता है वो सारी पूर्ण की जा रही है। इन सभी का उचित इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।